जब भी कोई इंसान कुछ क्राइम करता है तब उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह का उसने क्राइम किया है उसे उसके हिसाब की उसकी सजा तय की जाती है। पर ज्यादा से ज्यादा सजा में आप उस इंसान को या तो फांसी की सजा देकर जान से मार सकते हो या फिर उसे उम्र कैद जेल में डाल सकते हो। पर हमसे पहले मध्यकाल में जो लोग हुआ करते थे वो जिस तरह के सजा देने वाले तरीके को अपनाते थे उसे सुनकर आज आप लोग दंग रह जाएंगे। आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट और आज मैं आपको मौत की सजा देने वाले 10 सबसे खतरनाक, दर्दनाक और खौफनाक तरीकों को बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नंबर 10, द डेविल्स फोर टॉर्चर। इस सजा में अपराधी के चेस्ट और गर्दन के बीच में एक मेटल की नोकीली पीस को दो अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता था और वो मेटल की पीस दोनों साइड से काफी नोकीली हुआ करती थी, जिसके चलते वो इंसान अपनी गर्दन को हिला डुला नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी भी हलचल की तब ये नोकीले मेटल उसके बॉडी के अंदर घुस जाते थे और फिर उसे बेहिसाब दर्द मिलता था। और ये मेटल की डिवाइस उसकी गर्दन में से तब तक नहीं निकाली जाती थी जब तक उस इंसान की मौत ना हो जाए, और आखिर में जब उसकी मौत हो जाती थी तब उस डिवाइस को उसकी बॉडी से निकाल दिया जाता था। नंबर 9, नेक टॉर्चर। इस सजा में उस सजा देने वाले इंसान की गर्दन में कुछ इस तरह की नोकीली रिंग डाली जाती थी। ये रिंग दो तरह की होती थी, या तो ये लकड़ी की हुआ करती थी या फिर लोखंड की। इस रिंग को उस अपराधी की गर्दन में एक हार की तरह उसे बड़े ही आराम से डाल दिया जाता था और उसके बाद उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता था। और इस रिंग को पहन लेने के बाद वो इंसान अपनी गर्दन को ना ही झुका सकता था और ना ही कुछ खाना खा सकता था, और भूख और तकलीफ के चलते कुछ ही दिनों के बाद ये लोखंड की रिंग उस इंसान की जान ले लेती थी और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 8, द जुडास क्रेडल। इस सजा में अपराधी का जो हाल किया जाता था उसे सुनने के बाद आपको उन सजा देने वाले लोगों पर गुस्सा आने लग जाएगा। तो वो लोग अपराधी को कुछ इस तरह के अनोखे से दिखने वाले डिवाइस पर रस्सियों से बांध कर बैठा देते थे, और तो और उस अपराधी को नेकेड यानी नंगा करके उस क्रेडल पर बैठा दिया जाता था, और धीरे धीरे वो नोकीला क्रेडल उसके बॉडी में घुसने लग जाता था और फिर कुछ ही देर में लगातार दर्द सहने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 7, द कॉफिन टॉर्चर। मिडल एज में सजा देने वाली टेक्निक को काफी खतरनाक सजा देने वाले तरीकों में से जाना जाता था। इस सजा देने वाले तरीके में अपराधी को एक मेटल से बने बक्से में डाल दिया जाता था और ये मेटल का बॉक्स उस इंसान की बॉडी से काफी छोटा हुआ करता था। इसके बावजूद जबरदस्ती उस अपराधी को इस बॉक्स में डालकर उसके कोने बंद कर दिए जाते थे, और बंद करने के बाद उस मेटल के बक्से को कहीं पेड़ पर या किसी और जगह पर लटका दिया जाता था और कुछ ही दिनों तक उसे वैसे ही अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। फिर जब उस इंसान की मौत हो जाती थी तब कौवे पंछियां आकर उसकी बॉडी को खाने लग जाते थे और इसी के चलते उस इंसान की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। नंबर 6, थंब स्क्रू। सबसे पहले इस खतरनाक डिवाइस को देखो आप लोग। इस सजा में उस अपराधी के हाथों की उंगलियों को इस खतरनाक डिवाइस में फिट कर दिया जाता था और उसके बाद उसे ऊपर से कसना चालू कर दिया जाता था, और फिर धीरे धीरे उस इंसान की उंगलियां टूटना शुरू हो जाती थी और फिर उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 5, हेड क्रशर। इस सजा में अपराधी को एक हेलमेट की तरह दिखने वाले इस डिवाइस के अंदर उसके सर को रखा जाता था और फिर उसके सर को उस फ्रेम में फिट करके जल्लाद धीरे धीरे उसके ऊपर लगे हैंडल को घुमाता जाता था और इसका प्रेशर उस अपराधी के हेड पर बढ़ता जाता था। सबसे पहले उस अपराधी की सर की खोपड़ी अंदर से टूट जाती थी और फिर उसके दांत और उसके फेशियल बोन सब कुछ अंदर से टूट जाते थे, और उसकी आँखों के बारे में मैं क्या ही बोलूं यार, उसकी दोनों आँखें तो बाहर निकल आती थी और ये देखने वालों को भी काफी भयानक सीन लगता था, और आखिर में सजा में उस इंसान की दर्द पर दर्द सहकर मौत हो जाती थी। नंबर 4, टंग टॉर्चर। इस सजा देने वाली टेक्निक में उस अपराधी की जबान को टारगेट किया जाता था। इस खतरनाक डिवाइस से उस अपराधी को सजा दी जाती थी। इसमें होता यह था कि जल्लाद उस अपराधी का मुंह खोलकर जबरदस्ती उसकी जबान बाहर निकालता था और उसके बाद कुछ इस तरह से उस इंसान की जबान को वो जल्लाद खींचकर उसे अलग कर देता था, जिससे उस अपराधी को बेहिसाब दर्द मिलता था। नंबर 3, द चेयर टॉर्चर, ऑल्सो नोन एज द जुडास चेयर टॉर्चर। इस भयानक सी दिखने वाली चेयर को देखो आप लोग। सजा देते वक्त उस अपराधी को इस खतरनाक कुर्सी पर बैठा दिया जाता था। इस खतरनाक चेयर में लंबे लंबे मेटल से बने 500 से 1500 नोकीले स्पाइक्स होते थे जो अपराधी के बैठने के बाद उसके शरीर के हर एक हिस्से के अंदर घुस जाते थे, और तो और इस चेयर के नीचे हीटिंग एलिमेंट्स भी हुआ करते थे जिससे उस अपराधी को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से तड़पाया जाता था। सजा देने वाली इस टेक्निक को उस दौर में काफी खतरनाक
माना जाता था। नंबर 2, क्रोकोडाइल शेयर्स। सजा देने वाले इस औजार का नाम क्रोकोडाइल शेयर्स है क्योंकि इसका शेप बिल्कुल एक खौफनाक मगरमच्छ के मुंह की तरह है। इस औजार से अपराधी को सजा देते वक्त सबसे पहले इस औजार को आग में डुबोकर गर्म किया जाता था और उसके बाद उस अपराधी के बॉडी के हर एक पार्ट को इस लोहे से बनी शेयर से अलग कर दिया जाता था और ऐसी खतरनाक दर्दनाक सजा मिलने पर थोड़े ही दिनों में दर्द से लिपटे हुए उस इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। नंबर 1, द ब्रेकिंग व्हील, ऑल्सो नोन एज द कैथरीन व्हील। ये व्हील कोई नॉर्मल जैसी दिखने वाली व्हील नहीं है बल्कि ये काफी खतरनाक व्हील है। सजा देते वक्त उस अपराधी को इस व्हील में रस्सी लगाकर बांध दिया जाता था और उसके बाद जल्लाद इस व्हील को गोल गोल घुमाने लग जाता था जिसके चलते उस अपराधी के बॉडी के हर एक पार्ट साइमल्टेनियसली यानी एक साथ में टूट कर अलग अलग होने लग जाते थे और तो और ऊपर से अलग से आयरन के हैमर से मार मार कर बॉडी के हर एक पार्ट्स को टारगेट किया जाता था और फिर उस इंसान के बॉडी में मौजूद हर एक हड्डी चूर चूर होकर टूट कर अलग अलग गिर जाती थी और उसके बाद इस व्हील पर टंगे हुए इंसान को कई खुली जगह पर छोड़ दिया जाता था ताकि चील कौवे आकर उसकी बॉडी को अपना भोजन बना ले और आखिर में वो इंसान तड़प तड़प कर दर्द में ही मर जाता था। सजा देने वाले इन सभी तरीकों में से सबसे खतरनाक सजा आपको कौन सी लगी? मुझे तो सारी सजाएं बहुत ही खतरनाक लगी, पर आपको कौन सी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।